संक्षेप में, क्योंकि विषय बड़ा हो जाएगा, आपने जो प्रश्न किया, तो जो सूक्ष्म कोशिकाओं में गई तो सूक्ष्म कोशिकाएं या नाड़ियां बंद होती हैं, कारण नाड़ी शुद्धि ना होना, चित्त का मलिन होना, इस कारण से अनुभूति नहीं होती है। कुछ साधकों को शिकायत होती है कि गुरु जी शक्तिपात तो कर रहे हैं लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ अनुभूति नहीं हो रही है, उसका कारण ये स्वयं वो अपने आप में उन्हीं का कारण है कि उनके चित्त में इतनी शुद्धता नहीं होती है कि उसकी अनुभूति कर सकें। जैसे गंदी नाली में, जो यही नाली बहती है शहरों में, गांवों में, कस्बों में, गंदी नाली में जिसमें कीचड़ भरा हो, एक बूंद सेंट का डाल दो तो उस सेंट की जो महक है, उस कीचड़ के सामने कुछ भी नहीं होती, अर्थात वो प्रभावित नहीं कर पाती है। यानी उसकी जो महक है, कीचड़ अपने गंध से यानी दुर्गंध से ढक देता है। तो क्या कहा जाए कि उस सेंट ने अपनी महक छोड़ दी, या जो उसने एक बूंद डाला गया है सेंट, क्या निष्प्रभावी है? ऐसा नहीं है। जब नाली में कीचड़ भरा होगा बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो सेंट की महक नहीं आएगी नाक तक। उस नाली में यदि शुद्ध जल प्रवाहित हो रहा है, बह रहा है या भरा हुआ है, फिर एक बूंद सेंट डाल दो तो उसकी महक आने लगती है या फैल जाती है। तो सेंट में अपना गुण नहीं छोड़ा है, अपना स्वभाव नहीं छोड़ा है, और उसका कारण नाली में विद्यमान गंदगी है। इसी प्रकार साधक के चित्त में जब मलिनता अधिक हो जाती है, नाड़ी शुद्धि नहीं होती है, तो उसे ऐसा लगता है कि हमारे अंदर जो शक्तिपात किया गया है उसका प्रभाव नहीं हुआ। चैतन्यमय शक्ति कहीं न कहीं कहीं जाकर के विद्यमान हो जाती है जाकर के। जब कभी उसके उपयुक्त नाड़ी शुद्धि होगी, चित्त शुद्धि होगी, तो आगे का मार्ग प्रशस्त करने लगेगी। आपने कहा कि मुझे महसूस नहीं हो रहा है, स्पष्ट है, आपका क्या? अन्य साधकों को जिनको महसूस नहीं हुआ, उचित मात्रा में चित्त शुद्धि नहीं है, नाड़ी शुद्धि नहीं है, ये कहा कि मैं साधना बहुत करता हूँ। हाँ, आप साधना करते होंगे, अगर कह रहे हैं तो ज़रूर करते होंगे, लेकिन उस साधना के द्वारा आपने उचित मात्रा में चित्त शुद्धि नहीं कर पाई, नाड़ी शुद्धि नहीं कर पाई है। इसीलिए मैं अपने साधकों को कठोरता के साथ प्राणायाम और ध्यान करना, कि यानी एक निश्चित अवस्था, निश्चित समय तक ध्यान करने के लिए दबाव डालता रहता हूँ, मंत्र जाप के लिए बताता हूँ, ताकि चित्त शुद्धि और नाड़ी शुद्धि हो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ध्यान कितना करते हैं? मैं 40 मिनट बैठता हूँ जी ध्यान में जी, 40 मिनट सुबह जी, 40 मिनट शाम को जी। प्राणायाम कितना करते हैं? आधा आधा घंटा प्राणायाम करता हूँ जी। कुंभक कितना लगाते हैं? आंतरिक कुंभक कितना लगाते हैं? आंतरिक कुंभक एक मिनट लगता है जी। अब मैं अगर मैं कहूँ कि एक मिनट के लिए आप रोकें, रोक पाएंगे अभी? हाँ जी, ठीक है, मैं मान ही ले रहा हूँ, क्योंकि आप तैयार हैं। आप व्यवसाय क्या करते हैं? व्यवसाय नहीं, नौकरी, बिजनेस? अच्छा, आपने बताया टीचर हैं। हाँ जी, गवर्नमेंट टीचर। नहीं नहीं नहीं, आपने बताया, याद आ गया। देखो, आप जो ध्यान कर रहे हैं और प्राणायाम कर रहे हैं, उसका प्रभाव चित्त पर जरूर पड़ता होगा, लेकिन आपको जो ये नहीं महसूस हो पा रहा है, ये आपके चित्त की मलिनता और नाड़ी शुद्धि ना होना है। अगर यहीं पर उपस्थित कुछ साधकों से पूछा जाए तो वो कुछ बताएंगे कि हाँ, हमें महसूस हुआ है, और कुछ कहेंगे नहीं हुआ है। दोनों प्रकार के मिलेंगे, तो उनकी स्वयं की अपनी अवस्था है, ठीक है। साधक को, ऐसे साधक को मैं थोड़ा नकारात्मक कम बोलता हूँ,
साधकों को प्रेरित करता रहता हूँ कि वो साधना की ओर जाएं। ये स्वयं साधकों की अपनी कमी होती है कि पर्याप्त साधना नहीं करते हैं। आप कहेंगे कि मैं इतना करता हूँ तो इससे फर्क क्यों नहीं पड़ते हैं। हर एक साधक अभ्यासी जब खाना खाता है, जड़ता बढ़ती है, समाज से मिलता है, समाज में घूमता है, तो तमोगुण अपने आप बिना कमाए चला जाता है। कई विधियाँ, कई तरीके मैंने नहीं बताए हैं, किसी दूसरे से मिलना, नज़दीक खड़े होना, वलय के द्वारा। किताब मेरी पढ़ी है क्या आपने? मेरी पुस्तकें पढ़ी हैं, उसमें एक चैप्टर होगा वलय। वलय भी एक वलय दूसरे वलय से संपर्क में रहते हैं, जैसे यहाँ पर एक दूसरे वलय के यानी जो बारीक प्रकाश कण होते हैं वो विद्यमान होते हैं, तो वो भी स्वच्छता और मलिनता, स्वच्छता और मलिनता दोनों वलय को एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। कुल मिलाकर के आपको अभ्यास अधिक करना पड़ेगा चित्त शुद्धि के लिए और नाड़ी शुद्धि के लिए, तभी ये चीज़ मने शक्ति महसूस होगी। ये शक्ति कहीं नहीं गई है, ना कहीं जाएगी। जब आप कठोर अभ्यास करेंगे तब आपको महसूस होगी। और ये शक्ति ऐसी नहीं है, मृत्यु के बाद भी आपके सूख शरीर में विद्यमान रहेगी, ठीक है। मैं इसलिए इस तरह की बात नहीं बताना चाहता तो बहुत से साधक हताश हो जाएंगे। कारण ये है कि उचित मात्रा में उनकी शुद्धि ना होना, अभ्यास का ना हो पाना, यही है। अब ये भी कुछ साधक तर्क कर सकते हैं कि मैं और मेरा मित्र या अन्य साधक बराबर साधना करते हैं, मुझे क्यों नहीं ऐसा महसूस होता है, दूसरे को क्यों ऐसा महसूस होता है। उसके पूर्व जन्म के संस्कार भी होते हैं। पूर्व जन्म में जो उसने कर्म किए होते हैं, मलिनता अगर अधिक है तो आध्यात्मिक मार्ग जल्दी प्रशस्त नहीं होता है। और जिनके चित्त में मलिनता या उसके संस्कार सत्गुणी हैं या अच्छे हैं तो आध्यात्मिक मार्ग जल्दी प्रशस्त हो जाता है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.